Hey everyone, Pratik here, back again with another video. So Cyber Talk का स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ असीम श्रेय फ्रॉम हैकिंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल से. सो असीम श्रेय अभी जॉब कर रहे हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर एट ग्रोफर्स. सो इन्होंने आर्कॉन में भी टॉक दिया था वेब सॉकेट एज अ बग बाउंटी हंटर, तो काफी लोग इनको पहले से जानते होंगे. सो हम लोग काफी टाइम से प्लान कर रहे थे एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कुछ इश्यूज के रिगार्डिंग नहीं हो पा रहा था. आर्कॉन आ गया, उसके बाद में कुछ एग्जाम्स है, तो आज फाइनली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. वेलकम करते हैं आपका यूट्यूब चैनल पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप थोड़ा अपने बारे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स प्रतीक इनवाइट करने के लिए. यार तो मैं असीम, लाइक आई गो बाय द सेम नेम ऑन ट्विटर एज वेल, असीम श्रेय नाम से हूं मैं. रिसेंटली मैं एक चैनल स्टार्ट किया था हैकिंग सिंप्लीफाइड. लाइक मेरे ऑफिस में वर्कलोड थोड़ा कम हो गया बिकॉज मैं घर पे रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. सो दैट्स हाउ आई लाइक स्टार्टेड दिस. एंड रिगार्डिंग माई साइबर सिक्योरिटी जर्नी, सो यार मैं काफी टाइम से इंटरेस्टेड था. लाइक 9-10 से चीजें मैं देखता था. उस समय एनोनिमस ग्रुप हुआ करता था, काफी फेमस था. एंड लाइक चीजें बाईपास करने में मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट था कि लाइक फोन का लॉक हो गया, उसको बाईपास कर दो एंड ऑल दैट. सो बट यार ऐसा कि मैं हमेशा से हॉस्टल में रहा हूँ, लाइक क्लास 4 से मैं हॉस्टल में हूँ. सो मेरे पास कभी लैपटॉप था नहीं या डेस्कटॉप नहीं था कि मैं कर सकता हूँ. सो मैं एट मैक्स न्यूज फॉलो कर लेता था, देख लिया अच्छा न्यूज चल रहा है क्या है, चीजें समझ में नहीं आती थी क्या हो रहा है, ये हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, सब चीजें हो रही है. बट हाँ ठीक है, कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ मचा रहे हैं लोग, कुछ ऐसा चल रहा था. ओके बट फिर कॉलेज में गया, 2015 में कॉलेज गया था मैं. सो दैट टाइम आई गॉट कि लैपटॉप मिला मुझे. सो तब से मैं काफी शुरू में वाईफाई पे स्निफ करना है. हम लोग क्या लैन होता था, सो लैन पे नेटवर्क ट्रैफिक उस समय HTTP पे कुछ कुछ चीज जाती थी. लैन पे लोग होता था, LDAP होता था हम लोग के यहाँ. ओके सो LDAP इज लाइक एक डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है. सो उसके बेसिस पे हम लोग का ऑथेंटिकेशन होता है. एंड बहुत लोग सेम आईडी पासवर्ड अपने फेसबुक जीमेल पे भी रखते थे. सो वो बहुत इजीली स्निफ हो जाता है बिकॉज वो SSL ये सब नहीं यूज करता है. सो वो शुरू में करता था मैं एंड काफी कूल टाइप हो गए लोग, ओ भाई साहब ये तो हैकर है काइंड ऑफ, ऐसा चीज हो गया था. बट मुझे रियलाइज था कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी. जब मैं कुछ नहीं आता हुआ मैं 1-2 महीने में सीख सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ओके सो दैट्स हाउ आई गेज. एंड शुरू में मैं काली यूज करता था बिकॉज दैट्स द थिंग दैट हैकर्स यूज काइंड ऑफ. तो उसमें बहुत सारे टूल्स थे, मेटास्प्लॉइट था, बहुत सारे एक्सप्लॉइट थे. इनफैक्ट 1-2 एक्सप्लॉइट उस समय के थे जो मैं अपने वहाँ के लोकल सर्वर पे था तो उसको ट्राई किया था. सो मैं वहाँ पे नेटवर्किंग एक वहाँ पे हम लोग क्या होता था, इंडेम करके एक चीज है IIIT के इलाहाबाद में. सो हम लोग वहाँ नेटवर्क मैनेज करते, स्टूडेंट्स मैनेज करते थे वहाँ का. सो मैं उस समय उसमें सेलेक्ट हो गया था एंड फिर हम लोग वहाँ के सर्वर्स को मैच करते थे, उससे काफी आइडिया हो गया था क्या क्या मतलब कैसे नेटवर्किंग होती है, चीजें क्या होती है. तो मेरे सीनियर्स कुछ थे जो एक बिल्ड द शील्ड उस समय होता था, आई एम नॉट श्योर कि अभी भी होता है नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट CTF करवाती थी. सो मुझे बग बाउंटी ये सब कुछ आइडिया नहीं था कि कंपनीज पैसे देती है बग ढूंढने के लिए. मुझे इतना पता था कि अगर तुम कुछ ऐसा कुछ करोगे इलीगल होगा तो वो लीगल नहीं होगा. तो मैं करता भी था तो मेरे घर वाले थे, ये सब मत क्या करो, ये सब सही बात नहीं, ये सब टाइप का चीज था. सो आई कुडंट एक्सप्लेन की बग बाउंटीज होती है एंड ऑल बिकॉज मुझे खुद नहीं पता था, तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा किसी को. ओके सो मेरे सीनियर्स बताया मुझे कि CTF होता है एंड ऑल दैट. सो मैं फर्स्ट ईयर में जब था तो फर्स्ट ईयर अलाउड नहीं था बिल्ड द शील्ड के लिए. तो मैं सेकंड ईयर वालों को उनके साथ बैठ के उनको क्वालिफाई करवा दिया था कि वो चल जाए. ऑल्दो मैं नहीं आ सकता बट मैं खेलने बहुत मजा आ रहा था, मैं सीख रहा था बहुत सारी चीजें. हम लोग मिड सेम चल रहे थे बट हम लोग ठीक है करेंगे. वो लोग नहीं गए इवेंचुअली बट मुझे बहुत मजा आया था सीखने में. फिर सेकेंड ईयर हुआ, उस समय सीसो स्टार्ट हुआ था. लाइक पहली बार सीसो हुआ था. सीसो भी CTF है, काफी रेप्यूटेड CTF है. एंड वो लाइक मैं अकेले पूरे 17-18 घंटे बैठ के 2 दिन का था, तो पहले क्वेश्चन 16 घंटे लग गए थे मुझे सॉल्व करने में. एंड फिर अगले 1-2 क्वेश्चन करके मैं कैसे भी टीम को पहुंचा दिया था टॉप 5 में. एंड फिर हम लोग 4 लोग गए थे. एंड फिर उसके बाद से थोड़ा हुआ कि जब हम लोग पहली बार फाइनल्स में गए, वहाँ पे वो वर्ल्ड फाइनल्स था, इंडिया रीजन था वर्ल्ड फाइनल. तो वहाँ पे गए हम लोग को तब रियलाइज हम लोग कितने पानी में, हम लोग को तो कुछ आता ही नहीं है. लाइक थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के कुछ कर लिए. ये सेकेंड ईयर की लाइक 4th सेमेस्टर की बात है, लाइक 2018 शुरू हो गया था. तो उस समय CTF नया था तो मैं फिर बहुत कुछ सीखा. फिर वेब और ये सब चीजें थोड़ा डिसेंट तरीके से पढ़ना. रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था बिकॉज पॉन टू ओन करके कंपटीशन होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बाउंड्रीज होती है, 0DM होता है, वहाँ पे लोग रिमोट क्लिक एग्जीक्यूशन, iPhone एक्सप्लॉइट्स, RCs होते हैं सब. सो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता है कि कैसे लोग ढूंढ लेते हैं ऐसी चीजें. PlayStation का जेल ब्रेक हो गया, QWERTY करके एक बंदा है जो PlayStation का जेल ब्रेक यूज करता है. इनफैक्ट उसी के जेल ब्रेक आज तक लोग यूज करते हैं. तो काफी फैसिनेटिंग था बट वो बहुत ज्यादा डीप, बहुत इंटेनिंग नॉलेज था. तो मैं धीरे धीरे सीखा. वहाँ पे लोगों से पूछा फाइनलिस्ट में कि IDA कैसे यूज करते हैं. एंड वो अपना टाइम निकाल के CTF से मुझे थोड़ा बहुत बता दिए, फिर वो आफ्टर द फाइनल कंपटीशन तो हम लोग बेकार ही किया ऑब्वियसली, बट उसके बाद वो मुझे बताया कि ये सब चीज़ें सीखो, ये सब पढ़ो, हम लोग को बताया, पूरी टीम को बताया, गाइड किया। वो दोनों जो दो बंदे बताए थे वो अभी काफ़ी लाइक एक कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं एंड सेकेंड बंदा वो भी काफ़ी मतलब अच्छा है, कहीं कोई अच्छी जगह है वो भी बंदा। मतलब पहले से आपको सीखने का कीड़ा था पहले से ही, और मतलब सीखने का कीड़ा बहुत है यार, बहुत ही सही है। इसलिए भी बग बाउंटी मुझे थोड़ा मतलब थोड़ा बर्नआउट सा लगता है, बिकॉज में सेम चीजें होती है, कुछ नया बग हो तो मजा आता है, इसलिए बिजनेस लॉजिक पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। सेम चीजों पे ठीक है कर सकते हैं, पैसे मिल जाएंगे बट उतना मजा नहीं आएगा उसमें। हाँ सही चीज है। सो असीम माय सेकंड क्वेश्चन इज मतलब आपको क्या लगता है अगर किसी को एथिकल हैकर तुम्हें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है या ओके दो मिनट वापस से रिपीट करता हूँ। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज अगर किसी को एथिकल हैकर बनना है तो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी चीज सबसे पहले पढ़नी चाहिए? सो कुछ आप बेसिक से स्टेप बता सको? यस तो देखो अब एथिकल हैकर दो चीजें, एथिकल एंड हैकर है, सो दोनों पार्ट में फोकस करता हूँ। लाइक देखो अब तुम्हारा एम माइट भी अभी तुमको लग रहा हो कि बग बाउंटी कैन यू डू दैट एंड देन यू अर्न सम मनी, बट इवेंचुअली वुड वांट कि एक स्टेबल इनकम मिले, मे बी एक साइबर सिक्योरिटी जॉब मिले या वैसा कुछ। सो अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो सो एथिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे होते हैं लोग नए नए जो ज्वाइन करते हो बहुत रैविशली काम करते हैं एंड कि यार ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है, इसके लिए इन्फॉर्मेटिव मार्क कर दिया, अब मैं इसको पब्लिकली अनाउंस करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मे बी वो प्राइवेट प्रोग्राम हो। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग बिकॉज तुम मे बी तुम्हारे लिए वो अभी एक छोटी सी बात है बट यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड ये सब चीजें जो तुम कर रहे हो ये ऑनलाइन रह जाती है, लोगों को दिखती है जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करो, मे बी तुम एनोनिमसली कर रहे हो बट अगर एनोनिमसली भी कर रहे हो since you have that tendency कि तुम ऐसा कर रहे हो, मे बी लेटर ऑन कहीं तुम साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बने, मान लो तुम्हारा कल को प्रमोशन नहीं होता, देन यू आर वेरी पिस्ड ऑफ कि यार ये नहीं हो रहा है, फिर तुम कुछ ऐसा वैसा कर देते हो, सो वो एक टेंडेंसी बन जाती है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि इफ यू आर वर्किंग सो कंपनी इज नॉट बाउंड टू गिव यू समथिंग, अगर तुम कर रहे हो सो ट्राई एक माइंडसेट बनो कि यू आर डूइंग इट फॉर रिस्पॉन्सिबल थिंग, लाइक यू आर एथिकल पर्सन, यू आर डूइंग इट फॉर हेल्पिंग देम, नॉट फॉर कि कुछ पैसे सिर्फ मिल जाए मुझे। So, वो एक ethical वाला part वो था कि always like keep your calm and posture कि हाँ मुझे later on भी इस चीज़ reputation सही रखनी है। Start like coming to the technical part, so technical part यार ऐसा है कि मैं तो कहता हूँ अगर कुछ नहीं आता बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं पता तुमको, सिर्फ एक वेबसाइट है thehackernews.com, like मैं उसी से शुरू किया, like जब भी 9-10 में न्यूज़ देखता था तो वहाँ बस न्यूज़ देखो, तुम जो भी न्यूज़ आर्टिकल है उसमें टॉपिक्स को सर्च करो ये क्या है, या फिर अगर तुमको लगता है ये $10,000 का बाउंटी मिला, उसको $20,000 का बाउंटी मिला है, $5,000 का मिला, तो उसके रिपोर्ट पढ़ो, उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, जो भी चीज़ नहीं समझ में उसको बस गूगल करो, एंड गूगलिंग दैट यू वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड सेकंड स्टेप हो जाएगी ठीक है गूगल कर लिए समझ में आ गया, अभी उसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं, लाइक सपोज मान लो XSS मिला किसी को, जैसा भी रिसेंटली एक बंदे को मिला था फेसबुक पे XSS लाइक $30,000 वैसा कुछ था। सो इफ यू गो दैट तो वहाँ पे डॉम एक्सेसेस था, आई थिंक पोस्ट मैसेज वाला कुछ सीन था, सो वो तो ऑल्दो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बिकॉज तुमको रियलाइज हो कि अगर $30,000 दे रहा तो ऑब्वियसली कुछ बहुत क्रिटिकल चीज होगा, बट यू माइट नॉट गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे बहुत सारी चीज नहीं समझ में आती, बट एटलीस्ट यू वुड लुक इनटू इट कि एक्सेसेस क्या होता है, डॉम क्या होता है, एक्सेसेस कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक पोर्ट फिगर के बहुत सारे लैब्स हैं काफी अच्छे हैं, prom.nl करके एक वेबसाइट है, alert.something वेबसाइट है, उन सब पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लुक थ्रू दैट, तो सिर्फ पैसे मत देखो, यू स्टार्ट लर्निंग क्योंकि यू बिल्ड योर बेस एंड देन यू बिल्ड अपॉन दैट कि न्यूज़ पढ़ो, चीजें गूगल करो, तो जितना लाइक गूगल करना इज अ मेन की पॉइंट कि गूगल तुम कैसे कर सकते हो या हाउ टू यूज गूगल। यही चीज मैं ऑलवेज बोलता हूँ, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, लर्न में से एल निकाल दोगे उसके बाद वो अर्न ही बन जाता है। दैट्स व्हाई, दैट्स अ ग्रेट आंसर असीम। सो व्हाट वाज योर ब्रेकआउट मोमेंट, मतलब जब तुमने ये सब चीजें तुम पढ़ रहे थे काइंड ऑफ, तब तुम्हें कौन सी चीज में ऐसा लगा कि लाइक एक बोलते हैं ना कि किक मिली तुम्हें काइंड ऑफ, ऐसा कोई परफेक्ट हैक जिसको करने में तुम्हें ज्यादा मजा आया हो? एनी काइंड ऑफ ग्रे हैट वर्क, लाइक ग्रे हैट भी है काइंड ऑफ, दो तीन चीजें यार, तो कोई भी एक बताओ हमारे ऑडियंस को। ये तो मैं सबसे पहला बताता हूँ, बट लाइक दैट वाज नॉट रिलेटेड टू बग बाउंटीज, एंड बग बाउंटी से मुझे कभी इतना किक नहीं मिला, कभी भी CTF से मिला ऑल, बट सबसे पहला था यार एक बार हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो दे यूज्ड टू बी अ सोशल नेटवर्क जो हम लोग के सीनियर बनाए थे, एंड लाइक आवर कॉलेज यूज्ड टू बी लाइक एन एक्सटेंडेड कैंपस ऑफ IIIT। सो जब हम लोग मेन कैंपस गए तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग कुछ बिकॉज वो अनोनिमस सोशल नेटवर्क था, लोग कुछ कुछ ऐसे ही बेतुकी बातें लिख रहे थे उस पर, So I thought कि इसमें कुछ बग हो अगर तो मजा आ जाएगा. And eventually I got remote access on that server. फिर मैं उस बंदे के अकाउंट जो लिखा था उसके उसी के नाम से कमेंट लिखा उसी के नाम के आईडी पे एंड उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया. फिर उन लोग काफी फिर वो सीनियर मुझे बुलाए थे, उनको पता चला इवेंचुअली कि मैं क्या हूँ, तो मुझे बुलाया इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. सो मैं पे वो काफी डिसेंटली बात किया, बोले यार तुम ठीक कर दो ये वो. एंड लेटर ऑन मेरे पास रिमोट एक्सेस तब तक था जब तक वो बंद नहीं हुआ. इवेंचुअली वो सोशल नेटवर्क बंद हो गया. So that was kind of very good thing because सब लोग काफी appreciate भी किए थे and लोग पता चला चाहिए ऐसा कर सकते हैं. Yeah. And असीम मैंने तुम्हारा profile काफी analyze किया था. I think तुम्हारी CTF की team का नाम है Null Cryptos, right? Yep. Yeah. So like आपको क्या लगता है कि CTF एक ethical hacking सीखने के लिए बहुत ही अच्छा वे है कि kind of कि कोई भी चीजें पढ़ो and उसके challenges solve कर दो. तो like कोई एक newbie है जो start करना चाहता है CTF, तो कुछ आप resources उसको उनको बता सकते हो? ये फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मतलब एक तो है ऑसम सीटीएफ करके एक है गिटहब रेपो है एंड देन देयर इज लाइक एनीवन हु इज स्टार्टिंग विद सीटीएफ. तो एक माइंड में रखो कि सीटीएफ्स आर नॉट अ की टू बग बाउंड्रीज, दोस आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. सीटीएफ में तुम बहुत डेप्थ में जाते हो एक चीज में, लाइक अगर एक मैं गूगल का राइट अप है गूगल सीटीएफ का, सो उसमें हम लोग सीएसएस स्निफिंग था कुछ ऐसा था. तो सीएसएस को यूज करके हम लोग डेटा स्निफ आउट कर रहे थे एंड ऑन बेस ऑफ दैट हम लोग सो वो उसमें 15-16 घंटे लगे थे. बहुत काफी अच्छा एक्सपर्ट था, लाइक वर्ल्ड में 46 से 47 लोग ही कर पाए थे टोटल. ओके बट अगर मैं बग बाउंटीज में करूँ तो सबसे ज्यादा जो मुझे पे आउट मिला था $8,000 वाला, उसमें मुझे मुश्किल से एक दो घंटे की चीज थी. वो ऐसा कुछ बहुत टेक्निकली बहुत एडवांस नहीं है, बट अगर उसका बात करो इसका बात करो दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर. सो काइंड ऑफ बग बाउंटीज में बहुत ज्यादा लक भी मायने रखता है, whereas in CTF तुमको बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज हो. हाँ ये है, बट अगर तुम CTF में काफी अच्छा करो सो यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन डूइंग बग बाउंटीज बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अर्लियर. लाइक मैं CTF से स्टार्ट किया था सो मुझे बहुत सारी चीजें पहले से पता थी, तो मैं ऐसा कोई बग हैकर 101 ये सब उस समय था भी नहीं. सो मुझे बहुत सारी चीजें पता थी. इवेंचुअली मुझे रिकॉन ये सब नहीं पता था बिकॉज CTF में वो करते नहीं हम लोग, सो वो चीज मुझे बिल्डअप करना पड़ा. सो अगर स्टार्ट करो सो बेस्ट थिंग वुड बी पीको CTF से स्टार्ट करो. तो पीको CTF इज अ CTF फॉर हाई स्कूल पीपल इन यूएस, बट यहाँ के कॉलेज वाले और अच्छे खासे बंदे लोग भी नहीं कर पाते बिकॉज उसका क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं. एंड देन यू कुड मूव ऑन विद लाइक अदर CTF. CTFtime.org है, उस पे हर टाइम होते रहते हैं CTF नए CTF आ रहे हैं कौन से. सो आई वुड से कि इंडिविजुअली भी स्टार्ट कर सकते हो. इफ यू कुड मेक अ टीम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, मे बी फ्रॉम सेम कॉलेज मे बी फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज, सीनियर को पकड़ लो जूनियर को पकड़ लो किसी को भी पकड़ लो. लाइक हम लोग की टीम में भी हम लोग के जूनियर्स थे सीनियर्स थे सब लोग थे, एंड देन स्टार्ट डूइंग दैट. ओके Then Asim, my next question is, suppose मेरे को एक चीज जाननी थी कि kind of आपने कौन से साल में ये सीखना स्टार्ट किया था, मतलब आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है एंड आपको ग्रोफर्स में जॉब कैसे मिली थी? I want to know this story. Yeah, so मैं बता दूँ, so like 2015 जब कॉलेज में लैपटॉप मिला then I started. मैं हो गया था विंडोज में पहले वर्चुअल मशीन चला के करता था बिकॉज ऐसा था कि hackers तो लिनक्स यूज करते हैं सो मैं भी यूज करूंगा, एंड देन पता चला काली यूज करते हैं सो काली यूज करूंगा. शुरू के 1-2 महीने मेरा रूममेट भी था वो विंडोज ही उसका गेम खेलता था, बट मैं वर्चुअल मशीन डाला वो भी जोश में डाल दिया था खाली. बट मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार इसको मुझे अगर सीरियसली करना है तो मुझे इसको डालना पड़ेगा एज अ बेस ओएस. फिर मैं ओएस डाल दिया एंड देन आई स्टार्टेड. सो उस समय मोस्टली नेटवर्क हैक्स थे लाइक आर पॉइजनिंग एटर कैप यूज करना वायर शार्क ये सब चीजें थी. सो फर्स्ट ईयर कॉलेज का पूरे लगभग वही था पूरे कॉलेज टाइम. फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे CTF पहली बार मेरे सीनियर बताया कि CTF होता है बिल्ड द शील्ड. उसमें भी हम लोग कुछ नहीं किए थे, स्ट्रिंग्स यूज करके बाइनरी से निकाल लिया, कुछ ऑनलाइन सर्च किया, लाइक कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं था. सेकेंड ईयर के एंड में लाइक 2016 के एंड में हम लोग पहली बार वो किए थे ये वाला सीसो CTF. तो उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, वेब के कुछ कुछ क्वेश्चन थे बट वो भी मेरे से ज्यादा ही हुए नहीं थे. 2017 में आई स्टार्टेड लर्निंग बिकॉज वहाँ पे हम लोग फाइनल्स में गए थे 2016 के एंड में, एंड देन दे टोल्ड अस कि रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें इंपॉर्टेंट है वेब के लिए पढ़ो देखो. तो 2017 में काफी सीरियसली मैं थोड़ा शुरू किया था. उस समय फिलिप हार्वर्ड करके एक बंदा है जो फेसबुक में बहुत बग ढूंढता है बहुत ज्यादा, मतलब उसका भरा अगर तुम उसके ब्लॉग पोस्ट पे जाओगे सिर्फ फेसबुक पे ढूंढता है वो. तो उस समय मुझे नहीं पता था कुछ बग बाउंटीज होता है, मुझे पता था अच्छा फेसबुक पे ढूंढते हैं. गूगल पे मैं एक बग रिपोर्ट किया था, उस समय मेरा जीसॉक चल रहा था. सो उसके बीच में मुझे एक वो राइटअप मिला था किसी फेसबुक बग हंटिंग कम्युनिटी समथिंग है. तो उसमें मैं था, उसमें वो बंदा एक बंदा वीडियो POC डाला था कि ऐसा है जो फेसबुक के ग्रुप्स पे था. सो वो एक्सप्लॉइट ऐसा था कि तुम फेसबुक के ग्रुप के लिए एक यूनिक ईमेल होता था एंड उस पर कोई बंदा ईमेल करे तो अगर वो ग्रुप में नहीं भी है तो सीधे पोस्ट बन जाता था वहाँ पे. सो मुझे लगा ये सेम चीज तो गूगल ग्रुप पे भी हो सकता है, एंड मैं वो सेम चीज रिपोर्ट कर दिया। सेम उसी दिन शाम को मैं एक और बंदे से बात कर रहा था, हम लोग ऐसे रैंडम लोग थे, उसी पे डिस्कशन हो रहा था। सो वो बोला तुम गूगल पे कुछ रिपोर्ट किया हो, मैं बोला हाँ आज ही क्या हो, वो बोला हाँ मैं भी आज क्या हूँ। फिर वो बोला तुम क्या किया हो, मैं बोला तुम पहले बताओ। फिर वो बताया मुझे कि गूगल ग्रुप से रिलेटेड था, मैं बोला मेरा भी गूगल ग्रुप से रिलेटेड था। अब मुझे थोड़ा डाउट होने लगा बिकॉज सेम ग्रुप पे थे हम लोग। अच्छा, फिर बोला कि किससे रिलेटेड था, मैं बोला यार उसमें ये मैसेज ये वाला वीडियो पे से था, बोला फिर अब वो समझ गया कि उसका मेरा सेम है, दोनों हम लोग सेम रिपोर्ट किए। सो बोला कब तुम कब रिपोर्ट किए, मैं बोला नहीं पहले तुम बताओ कब रिपोर्ट किए। एंड वो मेरे से एक डेढ़ घंटे पहले शायद रिपोर्ट किया था। फिर इवेंचुअली 2-3 दिन बाद पता चला कि डुप्लीकेट हो गया मेरा, एंड ही गॉट लाइक $3133.7 बाउंटी मिला था उसको, और डुप्लीकेट का कुछ नहीं मिला। सो दैट वाज अ गुड थिंग कि मुझे एटलीस्ट पता चला। फिर उस ईयर कुछ नहीं किया मैं। 2019 या 18 के एंड में आई थिंक जादिक्स का टॉक आया था, लेवल अप 0x02। हाँ, लेवल अप 0x02। सो मैं देखा, मैं भाई सब ये तो बहुत सही चीज है, इतनी सारी चीजें करते हैं इसमें। मैं क्या करता था कि मैं CTF वाला दिमाग लगाता था, वेबसाइट पे क्या ढूंढने लगा, बर्फ के थ्रू कुछ दिख जाएगा, कुछ मिल जाएगा, रिकॉन नहीं करता था, मेन वेबसाइट बस वही करना है। तो वो जब देखा मुझे लगा वो भाई साहब इतनी सारी चीजें। फिर मैं धीरे धीरे अपना खुद का स्क्रिप्ट बिल्ड करने लगा। एंड 2019 के शुरू में लाइक हर साल ऐसा हुआ, शुरू के 2 महीने में बहुत जोश में किया हूँ, फिर कुछ नहीं किया मैं। जनवरी फरवरी किया मैं 2019 में, फिर 2019 की जनवरी फरवरी नहीं, 2019 मेरा फाइनल ईयर था, लाइक कॉलेज खत्म होने वाला था। सो अब मैं ग्रोफर्स वाली स्टोरी पे आ रहा हूँ। सो 2019 मेरा फाइनल था, 2019 के 2018 2019 हाँ 2019 पास आउट हुआ मैं। सो 2018 का वो लास्ट सेमेस्टर होता है, दिसंबर में खत्म होता है, एंड जनवरी टू मई मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। सो मैक्सिमम मेरे फ्रेंड्स इंटर्नशिप के लिए जा चुके थे, मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई थी जहाँ मुझे जाना नहीं था, बस एक बैकअप था ताकि मुझे घर वाले नहीं बोलते ना कि तुमको जॉब नहीं लगी है, जॉब नहीं लगी है। एंड मैं भी थोड़ा ये था कि जॉब लग जाएगी फिर मैं सिक्योरिटी की जॉब ढूंढूंगा, तो मेरे दिमाग में ये था या तो मैं सिक्योरिटी की जॉब ले लूंगा या फिर बग हंटिंग करूंगा, बट यहाँ तो नहीं जा रहा मैं, जो कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल मिला था मुझे। ओके, बट ठीक है एटलीस्ट एक रहेगा तो टेंशन फ्री होंगे, बैकअप ऑप्शन तो रहेगा। सो जनवरी में मैं दोबारा जोश में शुरू किया बग हंटिंग, 1-2 मिले बग्स, वो रिपोर्ट अब्यूज वाले भी देखा होगा, मैं कुछ दिन पहले राइटअप डाला था, एंड और 1-2 मिले। एंड देन अविनाश जैन को मैं फॉलो करता था, सो logicbomb_1 ट्विटर पे, उनको मैं फॉलो करता था बिकॉज वो काफी सारे राइटअप्स ये सब अच्छे से डालते रहते थे। सो वो पोस्ट किया कि ग्रोफर्स इज लुकिंग फॉर अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, एंड आई थिंक वो फ्रेशर के लिए नहीं था बट 1-2 साल का एक्सपीरियंस था। एंड मतलब मैं जॉब पोस्टिंग नहीं देखा, मैं बस वो देखा, एंड ईमेल जहाँ पे था मैं उसको वो कर दिया, सीवी डाल दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ एंड ये वो। तो पहला राउंड फिर क्वेश्चन हुआ, सेकंड राउंड। सो पहले मतलब एंट्री राउंड में ये था कि तुमको एक बग ढूंढना है ग्रोफर्स में, तभी तुम्हारे लिए आगे राउंड शुरू होंगे। ओके, समझ सोचे यार बग्स तो मिलते नहीं ऐसे, पता नहीं ग्रोफर्स में कहाँ से मिलेंगे, बट मैं फिर ढूंढा, 1-2 दिन ढूंढा, तो एक ऑर्डर्स में एक था कि तुम किसी और के ऑर्डर्स को डिलीट कर सकते हो। ओके, तो दैट वाज अ गुड थिंग, एंड मैं रिपोर्ट कर दिया। फिर इंटरव्यूज हो रहे थे एंड मुझे एक टाइम पे लगा कि अब नहीं होगा मेरा, पता नहीं ऑल्दो अच्छे जा रहे थे बट मुझे लगा नहीं होगा। सो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो मैं उनको मेल लिखता हूँ कि यार कुछ नहीं तो बग के रिवॉर्ड दे दो एटलीस्ट, कि मुझे लगा जॉब तो मिल नहीं रही, बग का रिवॉर्ड मिल जाए एटलीस्ट। तो बोले कि नहीं हम लोग ये क्योंकि तुम्हारा बग बाउंटी के लिए नहीं था, ये तुम्हारा इंटरव्यू के लिए था, तो इसके लिए रिवॉर्ड नहीं देंगे। ओके, लगा शेट यार अभी ये भी नहीं मिल रहा, जॉब भी नहीं मिल रही, गए काम से। बट इवेंचुअली फिर हो गया कि मार्च, वो लोग मार्च में मुझे बोल रहे थे ज्वाइन करने के लिए, बट मेरा मन नहीं था, मैं बोला प्रोजेक्ट खत्म करना है मुझे। अच्छा, अप्रैल से मैं ज्वाइन कर लिया फिर। ओके, लेकिन मैं कॉलेज खत्म नहीं होता, 1-2 महीने बचे थे, बट मैं ज्वाइन कर लिया था फुल टाइम। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड जस्ट काइंड ऑफ अभी आपने ये यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, तो मतलब एकदम से कैसे ख्याल आया कि चलो ये यूट्यूब वगैरह ख्याल लेता। सो यार जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब मैं कॉलेज में था जनवरी में, सो मैं आया तो हम लोग मैं और मेरा फ्रेंड है, वो लोग काफी साइबर सिक्योरिटी में हम लोग रहते हैं। सो वो जो मेरा फ्रेंड है वो एक बहुत मतलब नामी कंपनी है, लाइक मैं नाम नहीं ले रहा बट है, जो दिल्ली में ट्रेनिंग्स देती है। एंड वो मेरा फ्रेंड वहाँ से 25K रुपीज पे करके 2 महीने का शायद समर इंटर्नशिप करके आया था, कुछ ऐसा करके आया था। मैं समझ गया। आफ्टर डूइंग दैट फिर वो मेरे से आके पूछता है यार मेटास्प्लॉइट में ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। मैं तो 25,000 रुपये दिया किस बात के था, फिर जब यही नहीं पता है, फिर मैं उससे पूछा कि वहाँ क्या पढ़ाता है। एंड देन आई रियलाइज कि यार कितना स्कैम चल रहा है। सो मैं बोले हम लोग खुद के करते हैं, हम लोग खुद से ट्रेनिंग देंगे, कॉलेज में जाते हैं, बताते हैं बच्चों को, फ्री में करेंगे शुरू में, बाद में देखा जाएगा जैसा होगा, अगर बहुत टाइम लगेगा तो फिर पैसे लेना शुरू करेंगे। ओके, सो देयर ऑन स्टार्टेड, बट इवेंचुअली वो ड्रॉप हो गया, वो अपने जॉब में बिजी था, मैं भी अपना जॉब ढूंढने लगा, सो वो हो नहीं पाया कभी। एंड देन अभी वर्क फ्रॉम जब शुरू हो गया, मेरे पास टाइम था, तो मैं सोचा कुछ नहीं यूट्यूब से ही पढ़ाना शुरू करते हैं, चीजें बताएंगे, और भी बहुत सारे बेसिक चीजें लाइक जैसे होता है नीचे देखते कुकी का एक्सेप्ट करने का पॉलिसी आता है GDPR का। हाँ, सो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा वो क्या है एंड उससे कैसे लोग स्निफ करते हैं कुकीज के बारे में। सो मैं अपने भाई से डिस्कस कर रहा था अप्रैल में कि ये सब चीजें बतानी चाहिए लोगों को। मैं बोला बट पहले वीडियोस में नहीं बताएंगे, शेयर उसका ऐसे तो करते हैं बट इवेंचुअली ये सब चीजें भी बताएंगे क्या क्या होता है। ओके, सो दैट टाइम था इसलिए मैं शुरू कर पाया, नहीं तो नहीं हो पाता है कभी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डू यू गिव फॉर योर मेकिंग यूट्यूब वीडियोस एंड व्हाट इज योर डेली रूटीन? यही टाइम नहीं मुझे, मतलब वीकेंड पे मैं बना पाता हूँ। सो मैं ट्राई करता हूँ जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सके, लाइक इसलिए बहुत ज्यादा एनिमेशन ये सब भी नहीं रखता अपने वीडियोस में, बट लाइक एक घंटे में मैं ट्राई करता हूँ कि सब रिकॉर्ड हो जाए एंड देन एक घंटे या आधे घंटे एडिटिंग वाला पार्ट बहुत कम रखता हूँ। सो कुछ कुछ चीजें मैं बना कर रखा हूँ कि इससे जल्दी हो जाए एडिटिंग। सो वो 2-3 घंटे मान ले फोकस्ड एफर्ट है। उसके अलावा रैंडमली कि अच्छा इस पे बनाना है तो उस पर क्या क्या बोलूंगा। अगर स्लाइड्स जैसे मैं अभी इनसाइडर PhD एक है सो उनके मैं वीडियोस देखा मैं, सो वो काफी अच्छे स्लाइड्स बना के करती है, सो आई थॉट ये काफी अच्छा। एंड एक और एक बंदी है नाना जैनसिका, सो शी मेक्स वीडियोस ऑन डेवऑप्स स्टफ, सो उनका काफी अच्छा लगा मुझे वीडियो। सो मैंने पूछा बेटा हाउ डू यू मेक वीडियो, सो शी टोल्ड मी द सॉफ्टवेयर शी यूजेस। सो मुझे था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करना है लाइक एडोबी प्रीमियर से पे करके नहीं करना। सो मैं KDN लाइव यूज करता हूँ एंड उस पर कुछ टेम्पलेट्स बना लिया हूँ, इससे थोड़ा फास्ट होता है मेरा काम। बट मोस्टली अब स्लाइड्स जैसे लास्ट वीडियो का देखा होगा तो उसमें XSS वाला तो मैं स्लाइड्स बनाया था, उसमें मैक्सिमम एफर्ट मुझे उसी में लगा स्लाइड्स बनाने में। वीडियोस क्योंकि मुझे पता था क्या कंटेंट बोलना है, चीजें पता है तो ज्यादा एफर्ट उसमें नहीं लगता। ऑडियंस रिटेंशन कैसा रहा? ऑडियंस रिटेंशन कैसा रहा उसके? यार बेटर था कंपेयर टू अदर्स, कंपेयर टू अदर्स था। वॉच टाइम काफी अच्छा, वॉच टाइम बढ़ गया एंड देन वो था कि मेरे नंबर 1 पे आ रहा था वो कंपेयर टू अदर वीडियोस। ओके चलो सही है, दैट्स ग्रेट। ओके एंड अगर आप बात करते हैं बग बाउंटीज के बारे में, सो बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है एज ए बिगिनर्स के लिए एंड कौन से लैब्स अच्छी हैं? यार बेस्ट क्या था पहले प्लेटफॉर्म ना, बेस्ट रिसोर्स नहीं सॉरी पहले रिसोर्सेज ठीक है। ओके रुकिए पहले से क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट रिसोर्सेज फॉर बग बाउंटी हंटर्स एंड अगर किसी को स्टार्ट करना है एज ए बिगिनर तो कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है? यार मैं सिर्फ HackerOne पे गया हूँ बट देयर इज अ थिंग वहाँ पे NA बहुत लोग के होते हैं, सो मेनी ऑफ द पीपल आर पेस्ड ऑफ। लाइक मेरे 2-3 जूनियर जो करना शुरू किए वो बोले सर बग क्राउड पे आ जाओ काफी लीनियंट है। सो बट अनदर थिंग कम्स बैक कि मतलब HackerOne का मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि उसमें रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं, सो उससे काफी कुछ लर्निंग होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट उनका कैसा ट्रायल सिस्टम है, कभी कभी मुझे भी खराब लगा बिकॉज उनके जो मैनेज कर रहे होते हैं चीजें वो सही से समझते नहीं है एंड देन दे थिंक कि ये चीज नहीं है। सो कभी कभी हुआ मेरे साथ भी वो। सो आई जब बहुत क्रिटिकली बहुत श्योर होता हूँ मैं तभी रिपोर्ट करता हूँ। ये भी बग क्राउड में लीनियंट हो सकता होगा, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट बग क्राउड में ऐसा है कि तुम डुप्लीकेट भी करते हो तो पॉइंट्स मिलता है। लाइक वो बीच में बिग IPF5 वाला आया था, सो मैं भी इतना छोटा स्क्रिप्ट चला कर देखा था, सो डेलिया किस पे तो मुझे मिला था, मैं रिपोर्ट कर दिया तो डुप्लीकेट के पॉइंट्स मिले थे मुझे। अदरवाइज मैं बग क्राउड पे कभी नहीं किया हूँ, HackerOne पे किया हूँ। एंड एज फॉर रिसोर्सेज गोज आई वुड से कि यार अभी नाम कौन का एक हुआ था, आई हैव नॉट सीन ऑल द वीडियोस बट काफी अच्छे हैं स्टार्टर के लिए, बट वो अच्छे नहीं होंगे मे बी, उसको बहुत सारी चीजें ऑफ टॉप द शेल्फ चल जाएंगी। सो आई वुड से कि गूगल करना अगेन, सो लाइक सर्च करना एंड क्वेश्चंस आस्क करना आर वेरी वैल्यूएबल एसेट एज अ डेवलपर या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एनीथिंग। लाइक बहुत लोग होते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन नहीं पूछना आता, उनको आंसर नहीं मिलता, सो काफी तमीज से बात करना वो सब चीजें। एंड गूगल कैसे करें, क्या तुम सर्च करो तो तुमको मिल जाए, वो बहुत लोग को नहीं आता, सो दैट्स अ स्किल इन योरसेल्फ। फर्स्ट थिंग आई वुड से कि स्टार्ट करो, पोर्टफिगर के लैब्स से काफी अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। फ्री लैब्स हैं, उससे अच्छा तुमको और क्या चाहिए, लाइक फ्री में लैब्स मिले। देन आई हैव सीन TryHackMe एंड एक तो कौन सा दिखा था पेंटेस्टर लैब, हाँ वो भी आई थिंक अच्छे हैं। लाइक मैं जो देखा थोड़ा बहुत, मैं खुद से कभी किया नहीं बट लाइक प्रतीक वाज शोइंग इस वनडे, सो मुझे वो देख के कंटेंट काफी सही लग रहा था उनका एंड आई थिंक चीप भी है बट लाइक फॉर बिगिनर जिसको पता नहीं है वो पे करने से बेटर पोर्टफिगर के लैब्स यूज करो, फ्री है एंड काफी अच्छे कंटेंट है उसमें। एंड असीम हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ArcCon? काफी अच्छा था यार, काफी स्मूथली मैनेज हो गया। मुझे लग रहा था काफी हेडेक, काफी अच्छे टॉक्स हुए थे कुछ लोग के, सो हमने ऐसे काफी बिगिनर फ्रेंडली रखे थे कि लाइक एकदम जो होगा ऑलमोस्ट हमने काफी बग बाउंटी, रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक्स एंड सॉक सारी चीजें कवर की थी। So, almost काफी अच्छे से हो गया था, मैं और मेरी टीम ने बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया था। मैनेज काफी अच्छा होता, वो नो डाउट अबाउट, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस था। Yeah. Question is, what inspired you to start making videos? ये यही बोला ना मैं, मतलब मुझे लग रहा है काफी लोग को बहुत सारी चीज नहीं पता एंड दे पे वेरी ह्यूज सम फॉर दैट, सो लाइक अगर मैं वीडियो बना दूं एंड लोगों को वो पता चल जाए सो दे वुड रियलाइज कि कितना वर्थ है। ठीक है तुम पे करो ट्रेनिंग के, देयर इज नो डाउट, तुम पे ना करो बट एटलीस्ट तुमको पता हो जाए तुम किस चीज के लिए पे कर रहे हो। लाइक अगर तुम 25,000 का एक समर ट्रेनिंग पे कर रहे हो बट फिर तुम आके मेरे से पूछ रहे हो जो कि खुद एक साल पहले ही शुरू किया करना, so that's no point कि तुम उतना पे कर रहे हो उसके लिए। So you should, पहले तुमको पता हो जाए तुम किसके लिए पे कर रहे हो। So like general awareness के लिए मैं शुरू किया था, there's no point for that. And eventually I started कि bug hunting का content है and वो सब चीजें। So there that. Future plans क्या है? Like आगे हमें Hacking Simplified YouTube channel पे क्या चीजें देखने को मिलेंगी? क्या चीज आपने सोची है? एक तो मैंने एक application देखी थी OmniSec, मतलब heads off to man, काफी अच्छा initiative है। मेरा काम बहुत ईजी हो गया है, लाइक मेरे को कोई भी ट्विटर पे, मुझे कुछ नहीं करता, जस्ट सिंपली तुम्हारे ऐप पे चला जाता हूँ, वल्नरेबिलिटी नेम पे टिक करके सर्च रिसोर्सेज कर देता हूँ। वो ये एक बहुत ही अच्छा काम किया तुमने यार, काइंड ऑफ। यार इसको भी थोड़ा और इम्प्रूव करना, मुझे उस पर काम लाइक बहुत सारी चीजें साथ साथ पैरेलली चल रही है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट उसको भी करना। सो यार चैनल पे मैं अभी ये कर रहा हूँ, लाइक जैसे मैं देखा हूँ मतलब कुछ वीडियोज में बनाया बट उस पर उतने व्यूज नहीं थे एंड मुझे लगा यार ये तो चीज सही थी बट पता नहीं क्यों नहीं क्लिक क्यों नहीं की। So I then talked to other people and they told me कि थोड़ा specific content होना चाहिए, थोड़ा long, like पहले एक बंदा मुझे सजेस्ट किया कि छोटे वीडियोस बनाओ, बहुत to the precise and maybe चीजें clutter out कर दो। So मैं उसमें खुद अपने capabilities को बहुत cut out कर रहा था, like मुझे पता था कि ये बताने के लिए ये भी चीज बतानी होगी बट फिर वीडियो काफी लंबे हो रहे थे। So वो चीज मेरा बंदा एक फ्रेंड मुझे बोला कि उसको तुम कट आउट कर दो एंड देन आई थॉट कि people might be losing interest and then इसलिए मैं ये वाली वीडियो थी मैं काफी डिटेल में बताया, लाइक अगर कोई बंदा एक्सरसाइज इसको नहीं भी पता हो अगर वो भी शुरू करे तो भी वो समझ जाए। सो आई एम ट्राइंग टू मेक लॉन्गर डिटेल्ड वीडियोस, एक ही वीडियो या दो ही वीडियो बनाओ बट अगर कोई देखे शुरू से भी तो उसको डिटेल में समझ में आ जाए क्या चल रहा है। एंड कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डॉम क्लॉबरिंग, एक बंदा बोला मुझे डॉम क्लॉबरिंग क्या होती है वो बता दो, एंड देन एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग कैसे शुरू करना है, लाइक उसके लिए जो लैब सेटअप लोग करते हैं यूजुअली उस पर बनाना है, बिकॉज वो चीज़ है जो क्योंकि एंड्रॉइड में बहुत सारे बग्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं, लोग उसको ढूंढते नहीं बिकॉज उनको लगता है वेब में तो हर बंदा ढूंढ रहा है, सो वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा। बट अगर एंड्रॉइड का ट्रैफिक एनालाइज करो तो बहुत सारी चीजें, या फिर एंड्रॉइड ऐप को एनालाइज करो तो उसमें बहुत सारी चीजें। एंड लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर योरसेल्फ सो देयर इज अ ऐप कॉल्ड इनसिक्योर बैंक और समथिंग, ओएस के ये दो हैं तो वो ट्राई कर, ओएस गॉडड्रॉइड ऐसा करके कोई ऐप है, मे बी वो होगा, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। या एंड या सो दैट लाइक वो सब चीजें मैं डालूंगा। एंड एक और चीज बना रहा हूँ मैं अभी, एक वाईफाई किलर करके, सो ESP8266 एंड लाइक मैं हार्डवेयर IoTs में काफी इंटरेस्ट है सो मैं चीजें करते रहता हूँ, सो वो एक चीज बना रहा हूँ उस पे वीडियोस बनानी है मुझे। एंड असीम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि आप जॉब कर रहे हो ग्रोफर्स में, सो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस में मतलब आपको काफी अच्छे से होगा, ऑलमोस्ट आपने दिए होंगे काफी कंपनीज में, तो क्या लगता है सर्टिफिकेशंस की वैल्यू है कि नहीं है काइंड ऑफ, या स्किल्स ज्यादा मैटर करती है? यार देखो देखो सो दो चीजें हैं इसमें, अगर तुम सर्टिफिकेशन स्किल जा रहे हो सो तुम्हारा जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अगर तुम सिर्फ प्योर स्किल्स। लाइक मेरा था कि हमेशा स्टार्टअप में जाना बिकॉज वहाँ पे लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, सो लाइक जैसे अभी मैं जो हैंडल कर रहा हूँ सो बहुत सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी पे उस पर वीडियोज बनाने में, सो पूरा लाइक बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की चीजें मैं कर रहा हूँ हैंडल, सो वो बहुत सारे कंपनीज में भी नहीं हो रहा जो हम लोग कर रहे हैं। Whereas अगर मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी में चल जाता मे बी, तो बड़ी कंपनी में मैक्सिमम केसेस में सर्टिफिकेशन के बिना तुम नहीं जा पाओगे, लाइक मे बी एडोबी हो गया, सो देयर आर प्रोफाइल्स लाइक, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफाइल्स, लाइक अगर तुम एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए जाओगे सो मे बी तुम बिना सर्टिफिकेशन के लिए चल जाओ, बट अगर सपोज तुम जाते हो मान लो ऑडिटर टाइप जाते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या उस टाइप के कुछ रोल्स में जाते हो सो देयर यू वुड नीड सर्टिफिकेशन एंड तब तुम्हारे CEH ये सब से नहीं चलेगा, मे बी OSCP या उस टाइप के कुछ सर्टिफिकेशंस होंगे, कोई पॉलिसी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेशन एंड बिगिनर को आई डोंट थिंक दैट वुड मैटर एनीवे। सो वो केस में लाइक बड़ी कंपनीज को जरूरत होता है कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बिना उसके अलाउ नहीं, उनके पॉलिसीज होती हैं, सो दैट्स इम्पोर्टेंट टू देम। वेयरएज अगर तुम स्टार्टअप में जा रहे हो या फिर लाइक गूगल इन सब में भी जा रहे हो तो उनको भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सर्टिफिकेशन है या नहीं, बट अगर तुम्हारा वर्क है सो एनीवे लाइक अगर किसी को भी जॉब चाहिए आई वुड सजेस्ट कि तुम राइटअप्स लिखो, चीजें लिखो, बिकॉज मेक योर पोर्टफोलियो ऑनलाइन। लाइक अगर तुम लाइक सपोज अगर मुझे कोई बोले कि यार भैया मुझे इसमें जॉब चाहिए या साइबर सिक्योरिटी में जॉब चाहिए, मे बी 2 years डाउन द लेन या एक साल बाद मुझे जॉब चाहिए, अगले साल जॉब चाहिए, तो मैं क्या करूँ? सो आई वुड सजेस्ट कि तुम कोई भी लैब्स कर रहे हो या TryHackMe चैलेंजेस करे या फिर एक Well Hub या कुछ ऐसा है, उस पर तुम प्रैक्टिस करो। सो तुम राइटअप्स लिखो, जितने ज्यादा लिखोगे, बिकॉज वंस यू राइट इट पीपल नो कि अच्छा ये बंदा लिखता है, चीजें सॉल्व करता है, क्योंकि हर कोई वीडियोस नहीं बनाएगा या फिर कुछ वैसा नहीं करेगा। सो राइटअप्स लिखोगे, वॉक थ्रूज लिखोगे, सो दैट वुड हेल्प यू मेक अ ऑनलाइन पोर्टफोलियो ऑफ योर, क्योंकि 2-3 घंटे के इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी, बट अगर तुम्हारा काम दिख जाएगा पहले से, गिटहब पे तुम चीजें, टूल्स अगर बना रहे हो, अच्छे टूल्स बना रहे हो, ऐसा नहीं कि रिप ऑफ है कि सब लिस्टर बना है उसी को कॉपी करके फिर से डाल दिया, वो चीजें नहीं। कुछ जेन्युइन वर्क रहेगा तो बहुत इजीली तुमको जॉब मिल जाएगी साइबर सिक्योरिटी में। Okay, so that's it for today. Thank you Aseem for taking some time out and for your valuable time. काफी अच्छे आंसर्स दिए हैं, होप सो ऑडियंस को भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। That's why मैंने एक एक्सपीरियंस बंदे को लाया था कि जो एक अच्छी खासी इंडिया के रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करता है और मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है, मतलब मैं इनसे काफी कुछ सीखा हूँ। भले मैं बग बाउंटी कर रहा हूँ लेकिन काफी चीजें लाइक डाउन टू अर्थ कैसे रहा जाता है हर लोगों के साथ, थोड़ा पेशेंस रखो बग बाउंटी में जब रिपोर्ट करते हो। सो ऐसी बहुत सी चीजें मैं सिखाऊँ। थैंक यू असीम। दोस्तों आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं और आसिम श्रेय उसका आंसर जरूर देंगे। और आप आसिम श्रेय का यूट्यूब चैनल एंड सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। सो गाइस आप जाओ एंड फॉलो करो, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं बग बाउंटी के ऊपर, एथिकल हैकिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर स्पेशली। एंड कल उनका लाइव स्ट्रीम भी है, सो आप चेक कर सकते हो। ओके, सुबह 10 बजे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो मेक श्योर गाइस यू चेक दिस आउट। एंड गाइस मुझको भी इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करना ना भूले, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So this is Pratik Dabhi, over and out.